वेलकम बैक। वी आर स्टार्टिंग विद ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड। सी, एनुअल सेल्स ऑफ कंपनी कॉस्ट इज 2/3 ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड योर इंटरेस्ट कॉस्ट। नाउ कैलकुलेट द 2/3 ऑफ सेल्स। 2/3 ऑफ सेल्स कैलकुलेट करो। वेरिएबल कॉस्ट 60 लाख का 2/3, आपका सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट इज 2/3, सो इट विल बी 40 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन 20 लाख, 5 लाख फिक्स कॉस्ट एंड 11% ऑन 30 लाख। This is the interest amount which we will be paying. 15 lakhs is the EBIT amount. This is earning before tax, EBT. So after doing after calculating the sales, variable cost, contribution, fixed cost, EBIT, interest and EBT, we will check the formula and we will substitute the formula with the numbers. Contribution is, okay, contribution is 20 lakhs divide by EBIT 15 lakhs. Quickly, 0.33 times. Okay, next. EBIT upon EBT. फिफ्टीन लैक्स डिवाइड बाय ईबीटी आएगा आपका 11,70,000। व्हाट इज द आंसर? क्विकली टेल मी आंसर इन द चैट बॉक्स। 15 डिवाइड बाय 11.7, ओके, 10 जन ने आंसर दिया है। कोमल, कार्तिक, इशिका, समृद्धि, हर्षिता, वेरी गुड। पार्थ ने भी दिया है आंसर। उर्मी, पार्थ, अनुष्का, मोरे, ओके, थैंक यू ऑल। ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज तो हो गया, लेकिन कंबाइंड लेवरेज निकालते कैसे हैं देखते हैं आज। जो ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर है उसको फाइनेंशियल लेवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे। महेश हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन इज 2000 यूनिट्स। इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर 14 पर यूनिट, द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैज करंटली आइडेंटिफाइड वेरिएबल कॉस्ट। डिपार्टमेंट ने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 9 रुपीज पर यूनिट। एंड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर द सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग ऑन बोथ द यूनिट्स।
first sales, less variable cost, what is the sales amount? आपको खुद ही निकालना है. 2500 यूनिट्स पे आप 14 को मल्टीप्लाई कीजिए. इनटू 14 इज इक्वल टू कितना आएगा? 14 इज द सेलिंग प्राइस. Three thousand units into nine. Okay, contribution. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन कौन निकालेगा? निकालो कॉन्ट्रीब्यूशन. माइनस करो 35 माइनस 22.5. Okay, fixed cost कुछ दिया है क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है? हम लोग को खुद निकालना है. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू fixed cost divide by contribution per unit. fixed cost divide by contribution per unit. ये formula है जिससे हमें fixed cost निकालना है. break even point है 2000 units is equals to fixed cost. हमें नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको वैसे ही लिखना है. let the fixed cost be x or you can simply write fixed cost divide by contribution per unit, that is selling price minus variable cost. 14 minus 9 bracket is equals to into 5 is equals to fixed cost. So how much amount? 10,000. If you know the break-even point, the break-even point is 2000. See my cursor. मेरा cursor कहाँ पे है? Mahesh has estimated that for a new product, its break-even is 2000. यानी इसके अंदर break-even point मतलब जहाँ पे उनको profit ना loss दोनों नहीं होता है. Break-even point ऐसा point होता है जहाँ पर आपको ना profit होता है ना loss होता है. No profit, no loss. तो 2000 यूनिट्स अगर आप बनाएंगे, सिर्फ 2000 यूनिट्स, तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. अगर ये पॉइंट आपको पता है तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपको निकालने आता है. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. बस उससे डिवाइड करेंगे. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे चला गया, डिविजन में था तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 2000 इंटू 5 That is 10,000.
10,000. This is your EBIT. अब इंटरेस्ट का तो कुछ दिया नहीं है, बस ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. पहले इसका निकालते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन एट 12,500 डिवाइड बाय ईबीआईटी डिवाइड बाय 5,000. DON इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. 12,500 डिवाइड बाय 2,500 फाइव टाइम्स एंड थ्री टाइम्स. ये सब निकाल रहे हो, इसका रीजन पता है क्यों निकाल रहे हैं? इसका मतलब है ईबीआईटी कितना सेंसिटिव है. हाउ मच ईबीआईटी इज सेंसिटिव, दैट कॉन्सेप्ट आएगा 3 मार्क्स का. जो लेवरेज होता है वो मेजर करता है हाउ द रेवेन्यू ग्रो, how the revenue growth and that translates into the growth in operating income. accounting ke time pe jab business ko check karna hota hai ki hamara profit hame ho raha hai ya nahi, to operating leverage se wo check kar sakte hain. agar higher operating leverage hai to wo better hai ki lower wala better hai, kaun sa better hai? according to higher hoga utna sensitive hoga. देखिए यहाँ पे 2,500 यूनिट्स है तो इसका सेंसिटिविटी ज्यादा है, 5 टाइम्स है. इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी लेवरेज है वो कम होते जाए. जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा उतना हमारा रिस्क कम होगा और ईबीआईटी में हमें उतना फायदा होगा. तो जितना ज्यादा होता है ऑपरेटिंग लेवरेज उतना वो सेंसिटिव होता है. आपका ईबीआईटी इज मोर सेंसिटिव व्हेन द लेवरेज इज मोर. फाइव टाइम्स मींस 10% इंक्रीज इन सेल विल रिजल्ट इन अ 50%. 5 में से मैंने 5 को मैंने 50 लिखा है यहाँ पर. 50% इंक्रीज इन ईबीआईटी मतलब आपका जो इनकम है वो 5 टाइम्स हो रहा है. मतलब 10% अगर सेल्स में इंक्रीज हो रहा है तो इसका 5 टाइम्स, 10 का 5 टाइम्स होगा 50%, जो जितना ईबीआईटी पे बढ़ रहा है. तो ईबीआईटी 5 टाइम्स से डिक्रीज होगा. आप सिर्फ इंक्रीज के साइड का अगर देखोगे तो ठीक है, अगर डिक्रीज लिख रही हूं मैं यहाँ पे 10% डिक्रीज लिखूंगी तो 50% डिक्रीज इन ईबीआईटी यानी सीधा आपका प्रॉफिट आधा हो जाएगा. ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा तो रिस्की है, तो यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है. ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज इज एन इंडिकेशन हाउ द कंपनी कॉस्ट आर स्ट्रक्चर्ड and is used to determine the break-even point for company. हम ये क्यों निकालते हैं? ताकि हमें break-even point पता चले जहाँ पे हम अपने profits को earn कर सकते हैं. मतलब उसके बाद अब break-even point पता होगी, जैसे इस question में break-even point हमें मालूम है 2,000 units, तो हम obviously 2,000 units से ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि 2,000 units तक अगर बनाते हैं तो हमें profit होगा ही नहीं. 2,000 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है. तो ऑब्वियसली कोई भी रैशनल बिजनेसमैन होगा वो 2,000 यूनिट से ज्यादा बनाएगा. हाँ,
उसका भी डिमांड भी होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, डिमांड होगी तो ही आप प्रोडक्शन करोगे। अगर 2000 से कम डिमांड है तो ऐसा बिजनेस आप करोगे ही नहीं। सो इवन अ स्मॉल बिजनेसमैन विल यूज दिस लेवरेज फॉर्मूला। दिस स्मॉल बिजनेसमैन विल यूज दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ही विल, उसको बिजनेस से जो इनकम आएगी, सपोज हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी इनकम आएगी उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और उसके बाद उसमें जो इनकम होगी उस पे टैक्स पे करेंगे। तो ऑपरेटिंग इनकम इज नथिंग बट ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो ऑपरेटिंग इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू कैलकुलेट द ईबीआईटी। सेल्स से हम ईबीआईटी तक आएंगे। सेल्स से ईबीआईटी तक कैसे आएंगे, इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करोगे, सो उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, उसके बाद फिर ऑपरेटिंग लेवरेज आप निकालोगे। जितना ये फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा उतना ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी लेकिन प्रोडक्शन अगर आप ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा। बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम इन ऑल द नंबर ऑफ यूनिट्स, वॉट एवर नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज गुड और बैड। लार्ज बेनिफिट्स इन गुड टाइम्स, व्हेन सेल्स ग्रो इट विल सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाई लॉसेज इन बैड टाइम्स। कौन करता है? बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपने रिवेन्यूज और एक्सपेंसिस को माइनस करते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री मैं जो जितने भी बता रही हूँ, एयरलाइन हो, टेलीकॉम हो, ईच एंड एवरी बिजनेस, इवन अ स्मॉल बिजनेसमैन यूजेस दिस इनकम स्टेटमेंट एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। ये दिखाता क्या है? बैलेंस दिखाता है कि आपके पास कितने रिवेन्यूज हैं एंड हाउ द रिवेन्यूज आर ग्रोइंग, वेदर दे आर फास्ट ग्रोइंग, वेदर दे आर स्लो ग्रोइंग, वेदर यू हैव अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज। If it is positive, then it is good. Leverage नाम सुनकर लोग बहुत सोचते हैं कि ये रिस्की है, हमें लोन नहीं लेना चाहिए। लेवरेज से क्या होता है? नॉर्मली लेवरेज अगर अकाउंटिंग के इसमें देखा जाए तो लेवरेज जो है वो अच्छा कंसेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, इवन कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। इसमें से हमें इतना पता चलता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और हमारा सेंसिटिविटी कितना है, प्रॉफिट कितना सेंसिटिव है अगेंस्ट दी चेंज इन सेल्स। तो आपको अगर ये DOL 5 times है तो दैट मींस अगर सेल्स 10% से इंक्रीज हो रहा है तो उसका 5 times, 10 का 5 times, 10 into 5, 50% इंक्रीज इन ईबीआईटी। इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 3 times, मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। आगे का आप बता दीजिए। रिजल्ट इन अ डैश, 10% इंक्रीज इन सेल विल रिजल्ट इन अ डैश। 3 times है ना, 10 को into 3 करो तो परसेंटेज आएगा 30%।